वेलकम टू माई चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड जो भी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्मपिट्स के ऊपर में है। जो बगल होती है हमारी, उसमें बहुत स्मेल आ जाती है, बहुत स्वेटिंग होती है और आप किसी के पास भी नहीं खड़े हो सकते। और किसी किसी लोगों को तो ये बहुत ज़्यादा होती है, वुमेंस में बहुत ज़्यादा होती है, मेंस में भी बहुत ज़्यादा होती है। और उसकी जो स्मेल है वो इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है कि आप किसी के पास में खड़े नहीं हो सकते और वो बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग देता है आपकी पर्सनालिटी में और बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसको हम कैसे हटा सकते हैं, ऐसा कैसे हम एक नेचुरल, ये कह लीजिए डिओड्रेंट सॉर्ट ऑफ बना सकते हैं, एक स्प्रे बना सकते हैं जिसकी वजह से यू नो ये स्मेल हट जाएगी, आपकी जो अंडर आर्म से वो थोड़ी फेयर हो जाएंगी और आपको एक अच्छी सूदिंग सी स्मेल आपको यू नो फील होगी, बहुत अच्छा फीलिंग आएगा आपका। तो वैसा हम कुछ एक स्प्रे बना लेते हैं जो घर की चीज़ों से बनेगा, एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है, जैसे रोल ऑन्स की तरह। बाहर रोल ऑन्स वगैरह बहुत महंगे मिलते हैं और इनफैक्ट वो आपके अंडर आर्म्स को काला भी कर देते हैं, आप समझ रहे हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव केमिकली ट्रीटेड होते ही हैं, चाहे हम इसको कितना भी डिनाय कर लें और कितना भी बोल दें कि नहीं नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है, महंगी कंपनी का है एंड ऑल, बट वो आपके आर्मपिट्स को आज नहीं तो कल काला बना ही देते हैं। तो अब स्प्रे को हम बना लेते हैं जल्दी से, और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। हमें चाहिए नॉर्मल वाटर, हमें चाहिए फिट करी। तो ये फिट करिए, ये सॉलिड फॉर्म में आती है मार्केट में, आप इसे घर लाकर ग्राइंड कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होती है, आसानी से ग्राइंड हो जाती है। तो इसकी हमें चाहिए 1/4 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम, और हमें चाहिए कुकिंग सोडा। जी हाँ, ये डर्टनेस को बहुत अच्छे से निकालता है और बहुत अच्छे से मिल जाता है पानी में। अभी बस तीन चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। हम एक ग्लास बाउल ले लेते हैं, इसमें हम इसे डाल लेंगे। तो हम ये चीज़ इसमें डाल देते हैं, हमारा कुकिंग सोडा। अब हमने फिट करी डालनी है इसमें, ये हम फिट करी डाल देते हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे बस। तो ये आपका स्प्रे बनकर बहुत अच्छा सा तैयार है। स्प्रे बॉटल में आप इसे भर लीजिए और इसे सुबह शाम आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो इसमें फिट करी है वो आपकी गंदगी को और ब्लैकनेस को हटाएगी, और सबसे अच्छा वर्क जो उसका है वो है स्मेल हटाने का, स्वेटिंग हटाने का। जी हाँ, रेगुलर अगर इसको करते रहेंगे तो ये आपकी स्वेटिंग और उडर की स्मेल जो आती है, स्वेटिंग जो होती है रहती है आपको, उसको कम्प्लीटली हटा देगा। प्लस ये थोड़ा आपके कलर को भी अच्छा करेगा। इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल की ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं, मेरे पास में मिक्स लैवेंडर का है थोड़ा सा, मैं ये ड्रॉप डाल दूँगी इसमें, एक दो ड्रॉप डाल सकते हैं ताकि इसकी स्मेल बहुत अच्छी आए। एक दो ड्रॉप्स इसकी काफ़ी होती हैं, ये हम इसमें डाल देंगे ताकि एक अच्छी सी सूदिंग सी स्मेल आ जाए। पेपरमिंट भी डाल सकते हैं, कोई भी अच्छा एसेंशियल ऑयल की ड्रॉप्स आप इसमें डाल सकते हैं जो बहुत अच्छी स्मेल देगी आपको। अपने पास में रख सकते हैं इसकी स्प्रे बॉटल, और कभी भी आपको फील हो कि यू नो स्वेटिंग हो रही है या स्मेल आ रही है, गर्मी में स्पेशली होता है ये, ठीक है ना, तो आप इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, कम कीमत है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोस। टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल।